बुलेटिन को आपन को स्वागत करूछि मु स्वागतिका। वरिष्ठ संपादक नवीन दास को पुआ मनीष अनुराग को मृत्यु मामला रे होछि बड़ खुलासा आसी। मनीष को पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो रिपोर्ट रे मनीष को मृत्यु कारण श्वासरुद्ध होई होइतिबा दर्शाई। मनीष व्यवहार करितिबा धड़ा रंगर कार को मध्य जबत करिछि कमिश्नरेट पुलिस। घटना दिन मनीष को सहित थिबा दुई बंधुंकर परिचय मध्य पाइछि पुलिस। ए घटना रे पुलिस पांच जन को अटक रखि जेरा करूछि। रविवार दिन प्राय दुईटा बेले पात्रपड़ार एक पोखरी रे मिलिथिला मनीष को मृतदेह। डेडबडी मिलिबार किछि समय पूर्वरु इन्फोसिटी थाना रे पुओ को अपहरण करा जायथिबा नै अभिजोग करिथिले बापा नवीन दास। सांग माने पुओ को हत्या करिथिबा नै गतकाली भिडियो वार्ता जरिया रे अभिजोग आनिथिले नवीन। भुवनेश्वर पात्रपड़ार थिबा साउथ सिटी होटल रे शनिवार विलंबित राति जाय रहिथिले मनीष। होटल रु एक धड़ा रंगर कार मध्य आनिथिले। तेबे गतकाली कमिश्नरेट पुलिस होटेल रे रेड करी मैनेजर कर्मचारी को जेरा करिबा परे होटेल को सील करिथिला। एथिसहित सीसीटीवी जांच करिबा सहित हार्डडिस्क एवं आउ किछि कागजपत्र जबत करिथिला। मनीष को मृत्युर कारण जानिबाको करा जायथिला डायटम टेस्ट। प्राथमिक स्तर रु जहा छि तांकर रेस्पिरेटरी फेलियर बा श्वासरुद्ध रु होइबार जाना पड़ी आउ कि ताहत कन्फर्मेटरी कर सहित अलग जिनस परीक्षा जामर जमी खाद्य स्टोमाक पाकस्थल अनडाइजेस्टेड फूड एवं बोन मेरो एवं अन्य बॉडी फ्लुइड एग्जामिनेशन तदंत जाए देखा कि ये जो मृत्यु मामलें मनीष अनुराग मृत्यु मामलें जो बड़ खुलासा मनीष को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसी रिपोर्ट रे मनीष को मृत्युर कारण श्वासरुद्ध होइथिबार दर्शाई। तो बड़ कथा हूँ कि कमिश्नरेट पुलिस दिगरे तदंत के दूर कला जो पांच जन को अटक रखा जा दुईज सांग कथा चर्चा होईज से अच्छा कि परिचय कौन और श्वासरुद्ध होकर पोखरी में जीवन जाता हत्या कर कौन पक्ष प्रकृत कारण से नहीं कौन कहते वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। देखु आज पुलिस हाथ में दुईट सुराग मिली। प्रथम सुराग हूँ आज एम्स पक्षर पोस्टमार्टम रिपोर्टर प्राथमिक रिपोर्ट सामना को आसी जो थे मनीषकर श्वासरोध जो मृत्यु होता नहीं स्पष्ट होबे श्वासरोध किभरी तंटी चिपी फल श्वासरोध हो पोखरी पाया श्वासरोध हो स्पष्ट होनी से अधिक रु अधिक मेडिकल जांच करुच्ची एम्स। अंपटे जो कार मनीष और तांको सांग माने पात्रपड़ा होटल साउथ सिटी को जाइथिले सेई कार को आज पुलिस जबत करिछि। सेई कार रे जहाँ जो कार रो मालिक जे अछंती तांको तांको खोजिया पई पुलिस विभिन्न स्थान चढ़ा करुछि। कार टी आज पलाशुणी अंचल रु जबत कराइछि। जदियो एबे सुद्धा पांच जन को कमिश्नर पुलिस अटक रखी जेरा करुछि सेमानक मध्य रे सेदिन होटल रे केउ माने थिले ताहा स्पष्ट होई पाइनी। किंतु जड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहवा अनुसार से दुई जन से दिन से राति से होटेल थे मनीष सांगे यार मध्य आउ एक बड़ सुराग आसी जितेबाड़ होटेल भितर मनीष एकुटिया बाहर को आसती एक सीसीटीवी फोटो सामना को आसुच्ची। विलंबित राति प्राय पाखापाखी साढ़े तीन टा से समय मनीष एकुटिया होटेल भितर बाहर को बाहर सांगे कहीं भी नहाती तो केउठना केउठी अनेक किसी असमाहित तो प्रश्न सामने को आसुची। प्रथमतः आम जब कह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसी रिपोर्ट रे उल्लेख कराई जे श्वासरोध जो मृत्यु हो द्वितीय कथा श्वासरोध केमिति हला जदियो तंटी चिपी श्वासरोध होता नहीं कौन सी सूचना किंवा सिम्टम जना पड़ी तेरे किभली भाव में श्वासरोध है ताहा डाक्टर टीम ए पर्यंत स्पष्ट हो पारिनी। अन्यपटे जो कार से माने जाइथिले होटल को से कार को मध्य पुलिस एवं जबत करिछि। सेथि मध्य रे दुई जन को मध्य पुलिस एवं अटक रखी जेरा करुछि। एहारि मध्य रे सामने को आसेछि सीसीटीवी फुटेज अर्थात होटल साउथ सिटी रो विलंबित रात्रि रे मनीष एकुटिया होटल भितर बाहर को चले चले आसुथवार एक फोटो सामना को आसेछि। जो फोटो को नहीं पुलिस तदंत करुच्ची विशेषकर जदि कहुची जे होटेल भितर मनीष सांगे सांग मैंने तेरे सांग मैंने गले कड़े कहीं मनीष एकुटिया होटेल भितर बाहर को चले चले आसती सांग मैंने होटेल भितर थे ना पूर्वर बाहर को बाहर जाते एमती अनेक किसी असमाहित प्रश्न सामना को आसुची जहाक नहीं तदंत आरंभ कर कमिशनर पुलिस। अंपटे जो पांच जन को पुलिस अटक रखी से मध्य जड़े अच्छा जीए मनीष को शेष थर पर कल करते ताकू सीडीआर जांच करिया परे
ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏବେ ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ ଜବତ ହୋଇଛି କାର୍ରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏବେ ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି ମୋଟାମୋଟି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନୀଷ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ସେଦିନ ରାତିରେ ଥିଲେ ତାହା କମିଶନର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଜେରା କରାହେଉଛି ପଚରାଉଚରା କରାହେଉଛି ହୁଏତ ପୋଲିସ ଆଶା ରଖିଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ନା କିଛି ସୁରାକ ମିଳିପାରିବ ପୋଲିସକୁ ଯାହାଫଳରେ ତଦନ୍ତର ଦିଗ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ଅନେକ କିଛି ସନ୍ଦେହ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସରୋଧ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଶ୍ୱାସରୋଧ କରାଯାଏ ନଚେତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ତେଣୁ ଯଦିଓ କୁହାଯାଉଛି ତଣ୍ଟି ଚିପି ଶ୍ୱାସରୋଧ ହେବାର କୌଣସି ନମୁନା ନାହିଁ ତେବେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ହୋଇତ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୋଧ ହୋଇଥାଇପାରେ ତେଣୁ ସେ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ସରୁ ନମୁନା ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଡାଇଟମ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଡାଇଟମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ କରାଯିବ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ସେ ପାଣି ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଣି ନା ଆଉ କେଉଁଠୁ ପାଣି ଆସିଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାର ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପକ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର ରମେଶ ପାର୍କରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଗିରଫ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀର ନାଁ ମହମ୍ମଦ ଅସରଫ ଉରଫ ଅଲି ଘର ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଲି ଅହମ୍ମଦ ନୁରି ନାମରେ ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗରୀ ରହୁଥିଲା ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀଠାରୁ AK-47 ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଦୁଇଟି ପିସ୍ତଲ ମାଗାଜିନ୍ ଏବଂ 60 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଜବତ ପରିଚୟପତ୍ର ଜାଲିଆତି କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜଣକ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର 2-18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ର କରୋନା ଟିକାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଡିସିଜିଆଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଟିକାକରଣ ଜାରି ହେବ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶିଶୁ ଏବଂ କିଶୋରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ମୋଟ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଟିକା ଶିଶୁ ଏବଂ କିଶୋରଙ୍କଠାରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରୟୋଗରେ ଟିକାର ସଫଳତା ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ସଂସ୍ଥା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ପରେ ଡିସିଜିଆଇ ଶିଶୁ ଏବଂ କିଶୋରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଟିକା କେବେ ଦିଆଯିବ କେମିତି ଦିଆଯିବ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ ନା 2 ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ ଏସବୁ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ କୋଭିଡ୍ ରୋଗଟା ବେଶୀ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 2 ଡୋଜ୍ରେ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ଡୋଜ୍ରେ 2 ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରୋଗର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ଟା ସେଇଟା ଆମେ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଶିବବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ଖବର କହିପାରିବା ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର କହିପାରିବା କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଦେଖିବା କି ପିଲାମାନେ କେବଳ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ରେ ତା ସହିତ 1.5 ବର୍ଷର ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି ବାପା ମାଆମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି କି ପିଲାଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହା ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଆମର ଦେଶରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯିବି କାରଣ ଆମ ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ଭାବରେ ଆମ ଦେଶରେ 2 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଏଜ୍ ଭିତରେ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ହେଲା ଜାଇକୋଭ୍ ଡି ଯୋଉଟାକି 12-18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆଗକୁ ହେଉଛି କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଯୋଉଟାକି 2-18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଫଳରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯାହା ଚାଲିଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଚାଲିଛି ଯାହା ଆହୁରି ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ ଏବଂ ଆମର ପିଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇପାରିବେ ଏହାର 2 ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ୱରିନେସ୍ ଅଛି କି ଛୁଆଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ହେଇଯିବ କାଳେ ଏବଂ ବଡ଼ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ୱରିସମ୍ଟା ଟିକେ କମିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଲା କି ଯୋଉଟା ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଫଳରେ ସେମାନେ କୌଣସି ମାନେ ଏକ୍ସପୋଜର୍ କମିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ ଗୋଟେ ପିଲାଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କୋଭିଡ୍ ହବ ଯଦି ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି
किंतु सेमाने आज तापर से कौन हम ना सेमाने को हेला पर सेमाने घर गला पर तांकर घर जहां जेमते हम जानि छै कि कोविड टा पिलां को पय बेसी डेंजरस न है किंतु ता द्वारा सेमाने घर जाय के निजर ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स को देबे एवं सीनियर सिटीजन को पाखरे यह ठीक अधिक प्रॉब्लम सृष्टि करि पारे। तो पेडियाट्रिक एज ग्रुप यदि हम कंट्रोल करि परबा डिजीज को बाय वैक्सीनेशन तांकर इम्यूनिटी यदि बढ़ी परबो कोविड अगेंस्ट रे ता फलरे एटा नॉट ओनली पेडियाट्रिक पॉपुलेशन को हेल्प करबा बट आल्सो माने होल ऑफ द पॉपुलेशन को हम डेफिनेटली कोविड अगेंस्ट प्रोटेक्शन दबो। तो सेरो प्रिवेलेंस जोटा के वर्तमान अराउंड 70% अच्छी आम एरिया रे तो मे बी आफ्टर वैक्सीनेशन दैट विल रीच अप टू 85-90% जहाद्वारा कि आई थिंक द फर्दर वेव ऑफ कोविड कैन बी कटेल डाउन। तो यहाँ गोटे बड़ एडवांटेज हम तो यहाँ गोटे स्वागत जो पदक्षेप जदिव कोविड मारात्मक नुहे पिला क्षेत्र में मोस्ट ऑफ द टाइम पीडियाट्रिक बर्तन जो 70% सेरो प्रिवेलेंस आप देखुं पीडियाट्रिक एज ग्रुप से देखिए बहुत पेरेंट जाणिना छुआ के कोविड आम भी देखु छुआ को बर्तमान बहुत पिला टेस्ट करते पचार आप छुआ ज्वर खराब कि कहते हैं कि अन्य कौन से कारण जो कोविड एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं पॉजिट अच्छी फल से वन मंथ दि मस पूर्व कोविड ऑलरेडी अफेक्टेड होती जोटा कि छुआ किसी प्रॉब्लम करना तो से दृष्टि मुझे चाहूँगी जो बर्तमान जदि जो वैक्सीनेशन ड्राइव टा चलो जो मैंने बाकी अच्छे से बर्तमान आस्ते आस्ते इम्यूनिटी डेवलप करेंगे और पॉपुलेशन विल बी डेफिनेटली गेटिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड 19। डॉक्टर पटनायक जितेबले तृतीय संभाव्य तृतीय लहर कथा चर्चा करा जाउछि एवं ता पूर्वरु जितेबले पिला मानको वैक्सीन देबा कथा मध्ये सामना कसुछि ये वर्तमान समय गोटे बड़ उपलब्धि बोली आमे कहि परबा कि डॉक्टर पटनायक निश्चय मैडम निश्चय भाव रे कारण वर्तमान जदि आमे देखिबा तो दुटा पॉपुलेशन मोर देन 18 इयर्स पॉपुलेशन इज ऑलरेडी इम्युनाइज्ड ऑलमोस्ट आमर 50% फर्स्ट डोज पाइ सारलेनि सेकंड डोज भी अराउंड 30% पॉपुलेशन पाइ सारलेनि जोटा कि बहुत बड़ उपलब्धि है तापर जब पेडियाट्रिक एज ग्रुप वैक्सीनेशन स्टार्ट जदि मे बी बाय एंड ऑफ दिस मंथ ताहले तो मे बी अनदर 2 मंथ आम किसी बड़ा अमाउंट बड़ धरम मानने परसेंटेज ऑफ पेडियाट्रिक पॉपुलेशन ऑल्सो इम्युनाइजेशन पाइबे। तो यह डेफिनेटली गोटे कोविड कंट्रोल पाई गोटे बड़ धरणर पदक्षेप एवं यह बहुत सफल हो बोली मासे किंतु जो गाइडलाइन आसीबो से गाइडलाइन को नेकी डॉक्टर पटनायक की चर्चा हेउची केमिते दिया जिवो वैक्सीन गोटिए डोज दिया जिवो ना दुईटी डोज दिया जिवो आमे देखु छ साधारणतः जेतेबले 18 वर्षर उर्धक क्षेत्र रे वैक्सीन दिया जाउची साधारणतः दुईटी डोज दिया जाउची पिलांक क्षेत्र रे किभळी रहबो आमे कोन अनुमान करि परिबा एवं जेहेतु खूब शीघ्र एते करे प्रस्तुत मध्य गाइडलाइन हेबो नहीं यार तो गाइडलाइन अच्छी जितेबले से माने ट्रायल करिसेंते जो अनुसार ट्रायल करथिले से अनुसार वैक्सीन दिया जइबो। तो ट्रायल अनुसार तांकर दुईटा डोज रे से माने ट्रायल करथिले तो सेम वर्तमान भी सेही 28 डेज गैप रे दुईटा डोज दिया जइबो सेतरे किछ डाउट नै कना सेटा ऑलरेडी ट्रायल हे जाइछि से जो जोटा को ट्रायल करिसेंते से माने सेटा को अप्रूवल मिलिबो। तो फल दुईटा डोज मिलिबाटा निश्चय आपण कोवैक्सिन पय दुईटा डोज एवं जाइकोव डी जदि दबा ताले तीनटा डोज दबा पडिबो सेटा अछि वर्तमान से माने जाइकोव डी जोटा अछि जोरा जाइडस रो ताको चली जमी कि दुटा डोज भी चेस्टा चलती बर्तन नुआ स्टडी कर गाइडलाइन स्पष्ट भाव में उल्लेख रिका दिजे डोज दिज्व पिला टीका तो विस्तृत निश्चित भाव में गाइडलाइन रूब शीघ्र आसो गाइडलाइन। धन्यवाद डॉक्टर पटनायक आम सहित अधिक आलोचना कर ब्रेकरे स्वागत। कोविड समय पार्वण आ जीवन भितर युद्ध चली आम के दूर निजक सुरक्षा देवा और केते दूर पार्वण खुशी पड़ा ताम उपर निर्भर करीएमईटी डाक्तर सीबिके महांती गत काली हाट और बजार गुड़िकर जो चित्र आसी देखने चिंता बढ़ी जाऊँगी जदि एमती भिड़ लगि रुए तेज आगे आम के दूर संक्रमण को रोकवे सफल होगा नहीं गोटे बड़ प्रश्न सामना कसुच्छे पार्वण आसंता वर्ष मत आस प्रथम जीवन को सुरक्षित रखु तेणु लोक मैंने कोविड गाइडलाइन सठिक भाव में पालन करने को परामर्श देते डीएमईटी तो देखुं कोविड समय बर्तन आम गोटे चली जीवन आर्वण मध्य मान ये युद्ध चली आम के दूर जीवन को निजक सुरक्षा दवा आते दूर पार्वणटा को खुशी मौजूद मजलिस पाया से जो बर्तमान यही परिस्थिति रे केवल भगवान को डाक माँ जगजनन को डाक से आम को सहाय हूँ आम मैने करोना युद्ध जितु एवं करोना युद्ध जितु एवं करोनाटा पर्यायक्रमे यहाँ दूरीभूत हो।
परवर्ती खबर को आसवा आज पूजा मंडप महासप्तमी पीठ से चली महाअष्टमी पूजा गतका रात शेष होता षष्ठी पूजा भोरु आरंभ हो सप्तमी पूजा प्रथम सूर्य पूजा करा को चक्षुदान नवपत्रिका प्रवेश महास्नान प्राण प्रतिष्ठा उपचार पूजा चंडीपाठ करापर शिव सहस्र नाम होमयज्ञ अनुषित होलती पुष्पाजलि दिजा सहित माँ का पाखे संकुड़ी भोग परंपरा अच्छी षोड़श उपचार में माँ आराधना कर महासप्तमी पर सारा राज्य उत्सव मुखर तेज कोरोना महामारी श्रद्धा को पेंडाल भितर को जीवा बारण कर अल्प संख्यक पूजा कमिटी सदस्य पूजक को नहीं चली पूजा अर्चना प्रसाद सेवन बंटन कार्यक्रम बंद रही आसंता काली महाअष्टमी माँ का पाखे दही पखाड़ भोग लगे आज पूजा मंडप महासप्तमी पीठ से चली महाअष्टमी पूजा गतका रात शेष होता षष्ठी पूजा भोरु आरंभ हो सप्तमी पूजा प्रथम सूर्य पूजा करां को चक्षुदान नवपत्रिका प्रवेश महास्नान प्राण प्रतिष्ठा उपचार पूजा चंडीपाठ आदि अनुषित होपर शिव सहस्र नाम होमयज्ञ अनुषित होलती पुष्पाजलि दिजा सहित माँ का पाखे संकुड़ी भोग परंपरा अच्छी तेज षोडश उपचार में माँ को आराधना कर महासप्तमी पर सारा राज्य उत्सव मुखर तेज कोरोना महामारी श्रद्धा को पेंडाल भितर को जीवा मना कर अल्प संख्यक लोक उपस्थित रहुछंती जो मैंने कि पूजा कमिटी सदस्य और पूजार्जन को लेकिन पूजा अर्चना कर बड़ कथा कि कोरोना महामारी जो ए वर्ष भक्त और माँ का मध्य एक प्रतबंधक हो ठिया कोरोना महामारी तो ताको आखे रखी विभिन्न पूजा कमिटी पक्षर विभिन्न पदक्षेप नि भक्त मान श्रद्धा मान पेंडाल को मना करा जाई छी राउरकेला किभली रही छी परिवेश किभली भाव में कोविड कटकणा मध्ये पूजा अर्चना करा जाउ छी ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा को राउरकेला जोड़ी होई छेंती हम प्रतिनिधि शुभम प्रधान अछेंती शुभम आज पूजा मंडप रे महासप्तमी पीठ से चली छी महाअष्टमी पूजा जानिबा को चाहिबु राउरकेला रे किभली कोरोना कटकणा मध्ये पूजा अर्चना करा जाउ छी मां को आराधना करा जाउ छी देखु स्वागतिका आज हूँ जगत जननी माँ का महासप्तमी पूजा एवं आम बर्तमान रही सेक्टर 16 पूजा मंडप जो रही मंडप परिसर सम्मुख रही गोटे दृश्य देखा चाहिए आज हूँ जो समस्त कोरोना कटकणा सहित समस्त नीतिकांति माँ को चली पूजा अच्छा सहित सीधा आलोचना करवा कह ना आज देखते माँ का सप्तमी पूजा कौन कौन पूजा अर्चना माँ का नीतिकांति सब संपन्न होगा कोविड 19 नियम मानी सरकार नीति न मानी यथा संभव माँ का रीतनीति कर पूजा ठीक ठाक चलती कौन सब रीतिकांति संपन्न होगा माँ को बर्तमान प्रथम आम कलश यात्रा कलु तापर माँ को नीतिकांति पूजा चलती चंडीपाठ जहाविधि उपचार पूजा ये पूजा सब बर्तन चली निश्चित भाव देखिपारे कहीपर स्वागतिका माँ कोईपर महामारी कोरोना कटकणा पर केवल रीतनीति भाव माँ का पूजा अर्चना चली अंपटे सब वर्ष भाई जो तोरण कथा कहतु बा पेंडाल जो मेढ़ दृष्टि आकर्षण कर मेढ़ मान जो भक्त मैंने आसी देखा जो चलित बर्ष महामारी कोरोना पे ता देखा मिलना है संपूर्ण कह पूजा कमिटी पक्षर संपूर्ण व्यवस्था कराई कि भाव में कोरोना कटकणा को पालन करक्त मान को जो चलित बर्ष बारण कर आठ दृश्य देखा चाहिए निश्चित देखिपे संपूर्ण भाव पूजा मंडप क्या क्या रही सहित पूजा मंडप महासप्तमी पूजा अनुषित हो महासप्तमी आज कौन सब स्वतंत्र नीतिकांति रही पूजा विधि रही कौन कौन सब शेष हो संध्या समय कौन सब रही निश्चित भाव आम सहित आलोचना आलोचना करवा नना अच्छा मुख्य पूजक कौन कह आज जेहेतु जगत जननी माँ को मुख्य मान सप्तमी रही कौन कौन सब विशेष सब कौन सब कार्यक्रम सब षोल नंबर वर्ष है पूजा मु श्री उपेन्द्र कुमार नंद मु 37 वर्ष है पूजा कर माँ को सप्तमी महासप्तमी पूजा प्रथमत चक्षुदान प्राण प्रतिष्ठा चंडीपाठ होम नैवेद्य आरती पुष्पाजलि कार्यक्रम चली संध्या आरती हम ये सब कार्यक्रम कोविड नियम भितर ये सब पूजा प्रकार चलती तेणु समस्त भक्त मान कहीं दर्शन कर पार ना तो माँ को नीतिकांति ठीक ठाक भाव चलती
କହିପାରିବା ଗୋଟେ ମନରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଚେରୀ ସାଜିଛି ଏକ ମହାମାରୀ କରୋନା, ଆଶା କରିପାରିବା କି ମହାମାରୀ କରୋନା ବିଶ୍ୱରୁ ବା ରାଜ୍ୟରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯାଉ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ଯିବ, ମହାସ୍ତପମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେମିତି ପୂଜକ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠି ଦେଖିବା କି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭମ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସେପଟେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ପାରମ୍ପରିକ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା ନୀତି କରାଯାଉଛି। କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରେ ରହି ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଫେରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମାଙ୍କଠାରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣ ପୂଜାର ମହାସ୍ୱୟଂ ପୂଜା। ଯେଉଁ ମହାସ୍ୱୟଂ ପୂଜା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପୂଜା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପୂଜାରେ ଫିକା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ 144 ଧାରା ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି। ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆଜି ହେଉଛି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଶେଷ ପୂଜା, ଆଉ କାଲି ଆମର କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଗତକାଲି ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରେ 8 ବେଳେ ଆଇଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ଆମର 144 ଧାରା ଜାରି ହେଲା ବୋଲି, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ସବୁ ଆସିକରି ଅଧବାଟରେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେଇଠି ଗୋତଳ ପଡ଼ି ଦୀପ ଜଳେଇ ସେଇଠି ଭୋଗରାଗ ଯାହା ଆଣିଥିଲେ, ମାଆର ଚୁଡ଼ା ଭୋଗଟା ହେଉଛି ଅତି ପ୍ରିୟ ଭୋଗ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚୁଡ଼ା ଭୋଗ ଏଇଠିକି ଆସେ, ସେଇ ବାଟରେ ସବୁ ଗୋଳେଇକରି ତିଆରି କରି ସେଇଠି ଅଧବାଟରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ମାଆର ଶେଷ ପୂଜା, ଇଏ ବ୍ରତ ଯିଏ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବ ମାଆ ତା କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ଇଏ ଠାକୁରାଣୀ ଭାରି ଦୟାଳୁ ଭାରି ଭୟାଳୁ, ମହିଷ ଏ ଯେଉଁ ଶାରଳା ଦାସ ସୁଦ ମୂର୍ଖରୁ ପଣ୍ଡିତ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଏ ମାଆ ପାଖରେ 18 ଖଣ୍ଡ ମହାଭାରତ ନେଖିଥିଲେ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ନେଖିଥିଲେ। ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ ହେଉଛି ଶେଷ ପୂଜା, ଏଇଟା ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣ ପୂଜା, ଏହା ସକାଳୁ ଆମର ମାଜଣା ଆଉ ନୀତି ଯାହା ହେବାର କଥା ହୋଇଗଲା, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ବଡ଼ପଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ବେଶ ମଇଁଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶ କରାଯିବ, ଏବଂ ରାତିରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ମାଆଙ୍କର ସୁନାବେଶ କରାଯିବ। ଆଜି ଶେଷ ଦିନର ଶେଷ ପୂଜା, ରାତି ଗୋଟାଏ ବେଳେ ମାଆଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ସିଏ ବାହାରକୁ ବିଜେ କରିଯିବେ, ଏବଂ କାଳିକା ଗୋଟିଏ ବାହାରେ ସିଏ କାଳିକା ହେବ, ସେତିକିବେଳେ ରାତି ଗୋଟାଏ ବେଳେ ରାତି 2 ବେଳେ ମାଆ ଫେରିଲା ପରେ ମହାସ୍ନାନ ହେବ, ମାଆଙ୍କର ଚାମୁଣ୍ଡା ବେଶ ହେବ, ଆଉ ସନ୍ଧି ପୂଜା ବସିବ। ସନ୍ଧି ପୂଜା ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରେ। ନମସ୍କାର।